हेलो क्लास सेवेंथ टुडे विल वी विल रीड द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर इंग्लिश बुक इज सिंपथी दिस इज अ पोयम सिंपथी मींस द फीलिंग ऑफ पिटी मतलब सहानुभूति दया की भावना ओके तो दिस पोयम इज अबाउट द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कैन नेवर बी रिपीट बाय एनीवन मतलब कि वर्च्यू मीन्स क्वालिटी गुण किसी भी इंसान का वो गुण होता है सिंपथी जो कि कभी भी चुकाया नहीं जा सकता ठीक है आप कोई आपको पैसे देगा है ना उधार आप किसी से लेते हो या कोई और आप हेल्प लेते हो तो आप उसको वापस कर सकते हो लेकिन सिंपथी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आप जिसको कभी भी आप रीपे नहीं कर सकते आप कभी भी उसको लौटा नहीं सकते हैं ठीक है ठीके? रीड दिस पोएम एंड लर्न द वैल्यू ऑफ सेम्पत्ति इसमें आप इस पोएम को पढ़ेंगे और सेम्पत्ति की क्या वैल्यू है उसके बारे में आप वो सीखेंगे ओके आई ले इन सोरोप डिस्ट्रेस माई ग्रीव अ प्राउड मैन हर्ड हिज लुक्स फॉर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नोट अ काइंडली वर्ल्ड ओके इसमें बता रहा है देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा है ना ये तो ये जो मैन है ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत दुखी था इसको बहुत डिस्ट्रेस मतलब ये सैडनेस थी बहुत दुख था तो मेरा ग्रीफ सुनकर मतलब मेरा ये दुख सुनकर मेरा पेन सुनकर एक प्राउड मैन आया मतलब जिसमें बहुत ही घमंड था घमंडी आदमी आया वहाँ पर उसके लुक्स क्या थे मतलब जो उसने मुझे देखा बहुत ही शांत मतलब ही था और उसने मुझे क्या दिया पैसे दिए बहुत सारे गोल्ड दिया है ना मनी दी बट नोट अ काइंडली वर्ल्ड लेकिन उसने मुझसे जरा से भी अच्छे से बात नहीं की वो तो ना प्राउड आदमी शो करते हैं उस चीज़ का भी प्राउड करते हैं कि हमारे पास पैसा है देखिए उसमें वो दे रहा है इसको माई सोरो पास तो जब मेरा दुख बीत गया आई पेड हिम बैक तो मैंने क्या करा द गोल्ड ही गिव टू मी जो पैसा उसने मुझे दिया था वो मैं उस मैंने उसको वापस किया देन टू डायरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड इज चैरिटी तो जो उसने मुझे चैरिटी की थी उसके लिए मैंने उसको धन्यवाद बोल दिया ओके देखिए आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन अ पुअर मैन पास्ट माई वे फिर वो दोबारे से क्या हुआ वो जो आदमी था वो उसको दोबारे से दुख हुआ मतलब उसके फिर से वो कष्ट में था अ पुअर मैन पास्ट माई वे तो एक गरीब आदमी वहाँ से गुजर रहा था ही बाउंड माई हेड ही गिव मी ब्रेड ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे देख रहे हैं ना आप इस पिक्चर में तो ये बीमार पड़ गया और उस टाइम एक पुअर आदमी गरीब आदमी ने उसकी मदद की उसके सर पर क्या करा चो मतलब ये पट्टी रखी ही me ब्रेड उसे खाने के लिए रोटी दी और दिन रात ही washed मी नाइट एंड डे दिन रात मेरी सेवा की हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डेड टू मी ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवेनली सेम्पथी देखिए तो वो पूछ रहा है ये आदमी ही द मैन कि अब मैं उस आदमी को कैसे वापस करूं ये सब चीज़ें जो उसने मेरे लिए इतना सब किया है पहले उसने जो प्राउड मैन था उसने क्या दिया था उसको मनी दी थी तो वो तो उसको ठीक होते ही वापस कर ही आया लेकिन जब एक पुअर मैन जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसने क्या किया सिंपथी दिखाई उसकी दिन रात सेवा की उसे खाने के लिए रोटी दी तो वो कहता है कि मैं कैसे उसको ये सब चीज़ें वापस करूँ और गोल्ड इज़ ग्रेट पैसा अच्छा तो है महान तो है लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है सेम्पैथी सहानुभूति तो आप किसी को पैसे देने के अलावा उससे सेम्पैथी से उसके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे है ना उससे अच्छे से बात करेंगे उसको जो हेल्प चाहिए आप वो देंगे तो वो कहीं ज़्यादा बढ़कर होगी उसकी हेल्प ओके तो आपने सीखा सेम्पैथी क्या होती है और आपको क्या करनी चाहिए सबकी जो भी नीडी पीपल हैं जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी चाहिए ओके आपको ना केवल ये प्राउड करना चाहिए कि आपने उसको पैसे दिए उससे इसकी मदद की या कोई चीज़ देकर चीज़ से बढ़िया है कि आप उसको क्या करें सिंपथी दें ठीक है तो अब ये आपने पढ़ा चैप्टर इसमें एक्सरसाइज है इसकी वर्ड मीनिंग है ये आप करेंगे गोल्ड मीन्स मनी सोरो मीन्स सैडनेस सिंपथी मीन्स फीलिंग ऑफ पिटी ग्रीफ मींस पेन ओके फोर वर्डनिंग है और उसके बाद ये राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं जैसे डिस्ट्रेस का राइमिंग वर्ड मिस्ट्रेस गोल्ड कोल्ड बैक पैक मी नी वे डे बट हट ओके दीज आर टू एक्सरसाइज विच विल यू डर्न इन योर इंग्लिश नोटबुक Okay, class 7th, goodbye.